हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्कोलियस प्लांट के कटिंग्स कैसे लगानी है ये जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। अब कटिंग लगाने का टाइम चल रहा है फरवरी से और अब अप्रैल चल रहा है। अप्रैल में भी आप कटिंग्स लगा सकते हैं, ग्रो हो जाती हैं। और ये देखिए मदर प्लांट है कोलियस का। जब ये प्लांट 2 साल पुराने या फिर 1.5 साल पुराने हो जाते हैं तो ये अपनी जो रूट्स हैं वो गला देते हैं और ये मरने लगते हैं प्लांट्स, तो इसलिए हम इनकी कटिंग लगाने लेनी चाहिए। और अब ये देखिए मेरे प्लांट ने भी सारे रूट्स गला दिए हैं और अब ये गिर चुका है, तो अब मैं इसकी कटिंग्स लगा लूँगा। और इसकी कटिंग हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इसकी कटिंग लग जाती है। ज़्यादातर जो है वो छोटी कटिंग ही इसकी सक्सेस हो पाती हैं, इसीलिए आप जितनी छोटी कटिंग लगाएंगे उतनी ही जल्दी और अच्छी ग्रोथ ये कटिंग्स करती हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम इसकी सारी लीव्स हटा लेंगे और कुछ नोड एरिया खाली कर लेंगे, क्योंकि इन नोड एरिया से ही हमारे रूट्स आती हैं। अगर नोड एरिया नहीं होंगे तो हमारे रूट्स भी नहीं आएंगी, इसलिए नोड एरिया होना ज़रूरी होते हैं। इसलिए कुछ 2-3 नोड एरिया आपके सॉइल में होने चाहिए। और इसकी लीव्स हटाने से इसकी एनर्जी जो है वो रूट्स में ज़्यादा लगती है और अपनी लीव्स में इतना ध्यान नहीं देता है और ये अपनी रूट्स जल्दी ही निकाल लेता है और फिर हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाता है। और ये देखिए ये बहुत छोटी सी कटिंग है इसकी जो मैंने तोड़ी है, और इसकी भी लीव्स हटा लेंगे और ये भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती हैं। इसकी बहुत छोटी छोटी कटिंग्स भी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती हैं, बस इसके 2-3 नोड एरिया जो सॉइल के अंदर जाने लायक होने चाहिए। इसी तरीके से मैं इन सारे प्लांट की पूरे प्लांट की जो है कटिंग्स कट कर लूँगा, अच्छी अच्छी कटिंग्स। और ये देखिए मैंने सारी कटिंग्स कट कर ली हैं और इसमें ये जो मोटी कटिंग्स हैं इनके चलने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें ट्राई करके देखूंगा, शायद चल जाएं। और बाकी ये छोटी छोटी पतली पतली कटिंग्स हैं, जितनी ज़्यादा छोटी और कच्ची कटिंग्स होती हैं उतनी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ और अच्छी ग्रोथ ये करती हैं। ये देखिए ये पॉट है और ये मेरा ड्रेसिना का पॉट है और इसके अंदर मैंने ये इसके अंदर ही लगा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई और पॉट खाली नहीं है। और इसे इसी तरीके से एसिड ही लगा देते हैं, इसके अंदर कोई रूटिंग हार्मोन या एलोवेरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और ये अच्छी तरीके से ऐसे ही ग्रो कर लेती हैं। और ये पॉट जो है मेरा बहुत पुराना है, इसके अंदर मैं कटिंग्स लगाते रहता हूँ और निकालते रहता हूँ, तो इसके अंदर भी अच्छी जर्मिनेशन हो जाती है इन कटिंग्स की, तो मैं इसी के अंदर ही इन्हें सारी कटिंग्स को लगा लूँगा। सारी कटिंग्स लगाने के बाद अब हम इसके अंदर जो है वाटरिंग कर देंगे। पहली वाटरिंग जो है आपको भरपूर करनी है खूब अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरी सॉइल मैंने इसके अंदर पहले ही वाटरिंग कर रखी है, इसीलिए मैं थोड़ी ही वाटरिंग कर रहा हूँ। और अगर आपने पहले वाटरिंग नहीं किया है तो आप खूब भरपूर वाटरिंग कीजिए। और इसे अब हम शेडेड एरिया में रख देंगे, क्योंकि अगर इसको सनलाइट पड़ी तो ये अपनी लीव्स झुलसा देगा और हमारी कटिंग्स सक्सेस नहीं हो पाएंगी, इसलिए हम इसे शेड में रखेंगे और 4-5 दिन बाद इसे बाहर निकालेंगे। फिर हम इसे थोड़ी सी मॉर्निंग की सनलाइट दिखलाएंगे, फिर उसके बाद हमारी कटिंग चल जाएंगी। इसकी टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना।